हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रोस्ट किट बनाने की रेसिपी। तो हमने यहाँ पे रोस्ट किट बनाने के लिए यहाँ पे सामग्री रेडी कर ली है। हमने क्या क्या लिए हैं रोस्ट किट बनाने के लिए आपको दिखाते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे सूजी ले लिए हैं और यहाँ पे थोड़ा सा मैदा ले लिए हैं और यहाँ पे चीनी रख लिए हैं और यहाँ पे एक अंडे लिए हैं। हमें यहाँ पे एक अंडे की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पे थोड़ा सा कोरा हुआ नारियल ले लिए हैं, नारियल का। तो हमें इसे सबको मिक्स करके इस तरह सा बैटर के जैसा बनाना है, तो इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमने यहाँ पे चीनी सबसे पहले डाल लिए हैं, तो इसके ऊपर में हम यहाँ मैदे डाल लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है रोस्ट किट खाने में, कुरकुरा सा। तो हम यहाँ पे सारा सामग्री एक बोल में डाल लिए हैं, तो इसे हमें हाथों से मिलाना नहीं है दोस्तों। हाथों से हम अच्छी तरह मिला नहीं पाएंगे तो हमारा रोस्ट किट जो है अच्छी तरह तैयार नहीं हो पाएगा। तो हम इसे ग्राइंडिंग कर लेंगे, इस सब सामग्री को हम ग्राइंडिंग कर लेंगे। तो इसे हम जार के सहारे से अच्छी तरह ग्राइंडिंग कर लेंगे पूरा। देखिए, हमने यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह ग्राइंडिंग करके बैटर के जैसा बना लिए हैं। तो हमें यहाँ पे रोस्ट किट तैयार करना है इसका। ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है खाने के लिए। आप भी इस तरह अपने घर में बना के खा सकते हैं। बहुत ही आसानी प्रोसेस से हमने बनाए हैं। हमने कितना सामग्री क्या क्या लिया है आपको बताएँगे आराम से। तो अपने भी यहाँ पर रोस्ट किट बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर तेल लगा लिए हैं गैस में, तो गर्म करने के लिए। और यहाँ पर रोस्ट किट का छाँच ले लिए हैं, जिसे फूल वाला रोस्ट किट हमारा तैयार होगा। तो सबसे पहले हम इसे ऑयल में डाल लेंगे। जितना देर से ये गर्म होगा ऑयल, उतना देर तक का ये छाछ भी गर्म होना चाहिए, तभी तो हमारा रोस्ट किट बहुत ही अच्छा निकलेगा। तो यहाँ पे ये अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो दोस्तों, ये प्रोसेस जो आपको ये छाछ जो है इसको पूरा नहीं डुबाना है, हल्का हल्का सा डुबाना है। जैसे हमने यहाँ पे डुबा के यहाँ पे तेल में रखा है, देखिए कितने आसानी से ये निकल रहा है। तो ये निकलने का रीज़न है ये जो छाछ को बहुत ही ज़्यादा गर्म करना होता है तेल में। तो ये अच्छी तरह गर्म हो जाने से हमारा रोस्ट किट बहुत ही आसानी से और आराम से निकलेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए कितना आसानी से ये निकल रहा है रोस्ट किट। अब प्रोसेस देख सकते हैं, ये छाछ को पूरा नहीं डुबाना है, ये आटे के अंदर में जो हमने बैटर तैयार किए हैं बिल्कुल भी नहीं डुबाना है। हल्का सा हाफ डुबाएंगे तो भी चलेगा, बस आधा डुबाना है ऐसे, बस इसमें रख लेना है। ये बहुत ही आसानी से रोस्ट किट आप अपने घर में बना खा सकते हैं, बहुत टेस्ट होता है खाने में और ये चटपट बन भी जाता है, कुछ ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता इसमें, मज़ेदार होता है। तो हमने यहाँ पे सूजी जो लिए हैं 500 ग्राम और यहाँ पे मैदे भी 500 ग्राम लिए हैं, यानी कि हाफ हाफ केजी लिए हैं, और चीनी हमने 1 केजी ले लिए हैं, 1 अंडे लिए हैं, थोड़ा सा कोरा हुआ नारियल ले लिए हैं। तो इसको हमने ग्राइंडिंग करके इस तरह से बैटर बना के, यहाँ पे रोस्ट किट की जाली होती है छाछ इस तरह से, देखिए इसी प्रोसेस से हमें बनाना है। आप भी अपने घर में इस तरह का ज़रूर बना सकते हैं। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, हमारे यूट्यूब चैनल समरीन किचन को सब्सक्राइब कर देना। आप भी इसी तरह अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा आपको ये रोस्ट किट बनाने का प्रोसेस हमारा कैसा लगा। तो अब देखिए, यहाँ पर रोस्ट किट इस तरह से हमने बना लिए हैं, बहुत ही बढ़िया कुरकुरा के जैसा हो चुका है। आपको तोड़ के दिखाते हैं एक, देखिए यहाँ पे बिल्कुल कुरकुरा के जैसा हो चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमारे यूट्यूब चैनल समरीन किचन।